स्थापना कैसे होती है। एक जगह ईडर, ईडर कहां पर है? गुजरात में। उसी गुहिल का एक वंशज जिसका नाम था नागादित्य। क्या नाम था? नागादित्य गुहिल। क्या नाम था बेटा? नागादित्य गुहिल। और बेटा एक लड़ाई हुई जिसमें इस नागादित्य गुहिल की, किसकी? नागादित्य गुहिल की भीलों ने हत्या कर दी, या भीलों से लड़ता हुआ, भीलों से लड़ता हुआ यह नागादित्य वीर गति पाई। किसने? नागादित्य ने। इस नागादित्य के एक 3 वर्ष का बेटा, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का बेटा जिसका नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। इस कालभोज को एक महिला लेके भाग गई जिसका नाम था कमलावती। क्या नाम था? कमलावती। राजवंश नष्ट हो गया। कमलावती इनके एक जो परिवार से बहुत क्लोज संबंधी थी, इसी कमलावती ने क्या किया? इसका लालन पालन किया। और लालन पालन कहां पर किया? जंगल में किया। किसने किया? कमलावती ने। अजी किसने किया? कमलावती ने, जो बड़नागर जाति की महिला थी। इसने इस कालभोज का लालन पालन किया, गरीब ब्राह्मणी थी। अब कालभोज तो साहब कालभोज था, एक राजा का बेटा था। और ये कालभोज धीरे धीरे क्या चराने लगा? गाय चराने लगा। गांव की गायें चराता, सबसे भाई एक गाय, किसी घर में 5 गायें, किसी गांव में, किसी घर में 10 गायें, किसी में 1 ही गाय, सारे गांव की गायें। 5 गाय वाला 5 रुपए दे देगा, 10 गाय वाला 10 रुपए दे देगा, 1 गाय वाला 1 रुपए दे देगा। ऐसे करते करते वो गाय चराने लगा। और गाय चराने के लिए कहां जाता था? जंगल में। कहां जाता? जंगल में। और बेटा उसी जंगल में एक साधु तपस्या करता था जिसका नाम था हारित, हारित राशि। कई जगह इसके लिए हारित ऋषि भी मिलेगा। ध्यान देना, गाय चराने कौन जा रहा है? गाय चराने जा रहा कालभोज। और जंगल में तपस्या, जहां पर वो गाय चराने जाता था पूरे गांव की, वहीं पर उस जंगल में कौन तपस्या करता था? हारित राशि। अगर बेटा राशि की जगह ऋषि आ जाए तो भी एक ही बात है, सही नाम तो हारित राशि था, जबकि हरित ऋषि आ जाए तो भी चलेगा। नागादित्य का बेटा, नागादित्य का बेटा कौन? कालभोज। यही कालभोज आगे चलकर किस नाम से जाना गया? यही कालभोज आगे चलकर बप्पा रावल के नाम से जाना गया। कैसे जाना गया, क्यों जाना गया, आएगा इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेकर ले लियो बेटा, ठीक है। आओ आगे चला हूं। ये लो साहब, ये अपना कालभोज। ठीक है, कालभोज। वहां पर जंगल में एक साधु तपस्या करता था, उसको बनाया गुरु। और कालभोज का गुरु कौन? हारित राशि, हारित राशि। अब जो गायें चराने ले जाता, ये उन गायों का दूध निकालता, हारित ऋषि को दूध पिलाता, उसके धुणे में जलाने के लिए लकड़ियां लाके रखता, स्नान के लिए पानी की व्यवस्था करता, यानी कि उनकी तमाम प्रकार से दिन भर सेवा करता। और गायें चरती रहती और सेवा करने के बाद शाम को अपनी गायें लेकर, रात की व्यवस्था भी उनके खाने पीने की करके, रोटियां वोटियां बना करके वापस अपने जगह आ जाया करता था। इससे भयंकर खुश हो गए कौन? हारित राशि। हारित राशि ने देखा, यार अपन जो भक्ति कर रहे हैं भगवान शिव की, इस शिव के भक्त थे। और इसी राशि ने, इसी हारित राशि ने बेटा अपने राजस्थान में एक संप्रदाय के चलन किया, जिसको क्या कहते हैं? पाशुपत या लकुली संप्रदाय। क्या कहते हैं? लकुली संप्रदाय। राजस्थान में इस
विचारधारा के नकुलिस या पाशुपत की विचारधारा को फैलाने वाले प्रथम कौन थे? हरित राशि थे, जो नेपाल से आए थे। आइएगा इस बात को अपन आगे से और जानते हैं, ये अपन आगे और पढ़ लेंगे क्योंकि यहां पर ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब साहब वो दिन भर गायन चराता, हरित राशि की सेवा करता, साथ में और भी ग्वाले गायन चराने आता, उन सब में वो तो नागादित्य का बेटा था, सबसे लोकप्रिय हो गया कालभोज। और याद रखना, मेवाड़ में जो लोकप्रिय हो जाता है उस आदमी को आज भी क्या बोलते हैं? बापू। या आपने देखा होगा बापूड़ा। अच्छा, बापू या बापूड़ा का सब जगह मतलब पिता होता है, बाप होता है, यहां बापूड़ा का, बापू या बापूड़ा का मतलब है भाई। गुजरात और राजस्थान में आज भी लोकप्रिय आदमी होता उसको बापू कहते हैं। महात्मा गांधी को भी बापू कहते थे, तो वहां बापू का मतलब भाई था। हाँ, सोच रहे हो राष्ट्रपिता, बापू का मतलब भाई होता है बेटा, है कि नहीं है? अपन या दादा दादाजी को कहते हैं, बंगाल में दादा बड़े भाई को कहते हैं। तो जेड़ा देश वेड़ा भेस एंड वेड़ीज बोली। तो ध्यान देना, बापू या बापूड़ा कहते हैं जिसका अर्थ होता है भाई, सबके भाई जैसा भाग भाग करके सबकी सेवा करता और पूरी जनता में हो गया लोकप्रिय। लोकप्रिय आदमी को आज भी मेवाड़ में बापू या बापूड़ा कहते हैं। प्राचीन काल में ये बापू या बापूड़ा ही किस नाम से जाना जाता था? बप्पा के नाम से। पर आज जो बापू या ये कहते हैं ना बापूड़ा, इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे? बप्पा। इस प्रकार इसी कालभोज का उस जनता ने एक उपनाम रख दिया और वह उपनाम क्या हो गया? बप्पा। अब कालभोज कोई नहीं कहता था, सब उससे क्या कहते थे? बप्पा। बप्पा, दादो भाई, भाई साहब, भाई साहब, शेर करो बेटा, शेर करो, शेर करो, शेर करो। ये पड़ोसी वाले तो पांच ही हैं, इधर वाले बहुत ज्यादा हैं, यही बहुत ऊर्जा दे रहे हैं बेटा। और संख्या, और संख्या में। जी सर, जी सर, हाँ सर जी, मेरो जवाब दे दो। बोल बेटा मनुरत्न, जल्दी कमेंट कर, मैं उधर फिर लगने वाला हूं, जल्दी कर, जल्दी कर भाई जी। जीजी भी कहती है, हाँ जीजी कई जगह माँ को भी कहते हैं। बप्पा मतलब वो लिया ना मुंह सर, बप्पा। सर मारी नागौर में कहे बापूड़ा रुक जा, हाँ कहते हैं। भाई है तो पापा जी क्या पापा अंग्रेजी का नाम है मुंह सर। राम जाने तेरे को क्या बनाऊंगा मैं, तू तो बने बनाया भगवान की दया से। मैंने तो रुपए का प्रचलन इसलिए कह दिया रे, उस समय की मुद्रा। आज भी किसी को पैसा मांगते हैं कि पैसा है क्या यार, 101 रुपया देने, तो कहते मेरे पास तो, मेरे कन तो कोडो ही कोई नहीं। कोडा कोई दिन मुद्रा चलती, आज कहां कोडा है? मेरे कन तो देलो ही कोई नहीं है। क्या देले वाला पैसा, देला चलता है क्या आजकल? कई ऐसे भी कहते नहीं, मेरे कन तो कोचरालो ही कोई नहीं। अरे कोचरे वाला कोई दिन चलता था, आज थोड़ी चलता है। तो वो क्या कि भाषा में बैठ जाता, आपने तो रुपया नाम सुना है, जुबान पर रुपया बेटा तो रुपया निकलेगा। रुपया का मतलब कह सकते हैं तत्कालीन मुद्रा। ये तो शेरशाह सूरी के समय प्रचलन में आया था रुपया। तो अब ध्यान देना, इस प्रकार कालभोज का उपनाम क्या हो गया? बप्पा। धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हरित ऋषि ने कहा है बेटा तू मेवाड़ का राजा बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आशीर्वाद है। और इसी हरित राशि ने इसको एक और उपाधि दे दी, वो क्या दे दी? रावण। धीरे धीरे स्थानीय भीलों की, ग्वालों की इसने एक शानदार सेना का संगठन किया, शानदार संगठन किया। उसी दौरान हमारे इस भारत पर आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम नजर उठाया था किधर? सिंध की तरफ। उस समय सिंध का राजा, सिंध का राजा जिसका नाम था दाहिर सेन। क्या नाम था? दाहिर सेन। अजी कौन था? दाहिर सेन। और याद रखना, उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? मेवाड़ का जो राजा था उसका नाम था मानमोरी। क्या नाम? मानमोरी ने अपने सारे सामंतों की मीटिंग बुलाई और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया है, इसका सर्वनाश करना, ये सिंधु पार नहीं करे। सारे सामंतों ने मना कर दिया, तो मानमोरी ने नगाड़ा बजवा दिया मेवाड़ में।
नगाड़ची को लेकर के मेवाड़ के गांव गांव में गूंज का कोई है माइका लाल जिसकी माने सवा शेर सूंट खाया है, जो मोहम्मद बिन कासिम से लड़ सके और हमारी इस भारत माता की रक्षा कर सके। डम 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 ढोल बजाते 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 वो जहां ये जो वर्तमान में दोपहर में कैलाशपुरी है ना जहां पर एकलिंग जी का मंदिर है वहां के लगभग ये गाय चराया करते थे वहां पर वो आ गया। साहब सुनो सुनो सुनो, है कोई माइका लाल जिसकी माने जापे में सवा शेर सूंट खाया है, जो मोहम्मद बिन तुगलक से टक्कर ले सके, मेवाड़ के तमाम सामंतों ने इसके लिए मना कर दिया है। उसी समय इसका खून खोल उठा बप्पा रावल का, कौन है सड़ा कुत्ता जो मेरी मातृभूमि भारत भूमि पर आंख उठाता है। अपने दोस्तों से कहा कि छोरो तैयार हो, बोले भाई साहब बापू तैयार हैं, सारे के सारे हो गए तैयार। उसने कहा कि मैं मंदा तैयार हूं। मान मोरी के पास गए, मान मोरी ने एक मौर्य सम्राट ओरता हाड़ोती का जिसका नाम था धवल, धवल मौर्य, ये कहां पर राज करता था बेटा हाड़ोती में, धवल कालबोज और एक अपना सिंध का राजा दाहिर सेन, उस समय एक सपा दलक्स का राजा था वासुदेव चौहान के काफी दिनों के बाद की बात है ये, कई किताबों में लिखा मिलता है कि अजय राज यार कब कितने साल बाद में पैदा हुआ था, ये बहुत पहले की बात है। तत्कालीन सपा दलक्स का राजा हाड़ोती का धवल और सिंध का दाहिर सेन और मिलकर मुकाबला किसका करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में और चलेंगे आगे। ठीक था ब्रो, आओ। हरे गाया वाला कान जी रे बप्पा रावल, कौन सा बप्पा रावल, वास्तविक नाम है इसका, वास्तविक नाम है बेटा कालभोज। वास्तविक नाम क्या है कालभोज। कालभोज ने किससे युद्ध लड़ा, मोहम्मद बिन कासिम से, मोहम्मद बिन कासिम, और बेटा कासिम को पराजित किया, सिंध से खदेड़ दिया, हरा दिया इसको, रगड़ दिया इसको, इसको जिसके मद को चूर चूर कर दिया, और इसने बेटा इराक ईरान खुरासान अफगानिस्तान को जीता और यहां से तमाम विधर्मियों को खदेड़ दिया। याद रखना उस समय अफगानिस्तान की राजधानी थी गजनी, कौन सी जगह थी गजनी, गजनी का राजा था सलीम, सलीम की बेटी से बप्पा रावल ने शादी भी करी। गजनी के सलीम को सलीम की पुत्री से, मुस्लिम था, पुत्री से विवाह किया, विवाह तो क्या किया, रखेल रखी होगी, हाँ ऐसी के शादी महारानिया मनाया जाता है क्या, इसको विवाह किया और बेटा इस गजनी, गजनी का राजा अपने भांजे को बना दिया जो तत्कालीन जैसलमेर रियासत या माड़ का राजा था, और गजनी का अपने भांजे को राज्य दे दिया। किसने, देवराज भाटी, देवराज भाटी था उसको गजनी सौंप दी। किसने साहब, बप्पा रावल ने, जो माड़ का राजा था जैसलमेर का, जो इनका भांजा लगता था, तो गजनी का राजा कौन बन गया, देवराज भाटी, जो बप्पा रावल का क्या लगता था, भांजा। मैं बताऊं सही मायने में बप्पा रावल का अध्ययन नहीं हुआ, सही मायने में बप्पा रावल को पढ़ाया नहीं गया, बाकी इस हिंदुस्तान में सही में देखें
तो बप्पा रावल से बड़ा तो कोई हुआ ही नहीं। आज भगवान राम और कृष्ण की तरह इनके मंदिर बना करके भी पूजे ना, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फारसी तवारीखों में बलवान में लिखा है कि बप्पा रावल के पैदा होने के बाद फिर से सिंध के उस पार मूर्ति पूजा होने लग गई थी। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ग्रीस, खुरासान, सब जगह मूर्ति पूजा वापस प्रारंभ हो गई थी। ये किसने करवाई थी? बप्पा रावल ने, यानी कि फिर से हिंदुत्व की धाक जगा दी, जमा दी थी। ऐसा शासक कौन था? बप्पा रावल। देखिए, बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालबोज। मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया, पराजित करने के साथ इराक, ईरान, खुरासान, अफगानिस्तान को जीता, पूरा पाकिस्तान को भी जीत लिया। पाकिस्तान तो खैर भारत था ही सिंध से इधर। और प्यारे बच्चों, गजनी के सलीम की पुत्री से विवाह किया और गजनी का अपने भांजे जिसका नाम था देवराज भाटी, उसको शासन सौंप दिया। गजनी का यानी कि कहां का शासन सौंप दिया? अफगानिस्तान का। ज्यादा जानना है तो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, गजनी से जैसलमेर, जरूर पढ़ें, बड़ा मजा आएगा आपको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, टक 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 टक, ले लिया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, संख्या और बढ़ाओ बेटा, संख्या और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। चलते हैं, अब चलते हैं और मेवाड़ का इतिहास में बप्पा रावल। साहब बप्पा रावल पूरी सब कुछ जीत के आ गया। बप्पा रावल ने अपने नाम से एक चौकी बनाई थी सिंध के आसपास कि कोई उधर से विधर्मी आकर के हमारी इस मातृभूमि पर आक्रमण नहीं करे। आपको पता हो तो सिंधी और पंजाबी भाषा में जो गांव होता है उस गांव को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। तोड़ा केड़ा पिंड, तोड़ा केड़ा पिंड, मतलब तेरा कौन सा गांव है। होता है बेटा, एक अपने राजस्थानी आदमी था, अपने राजस्थान में पिंड कहते हैं चूरमे के लड्डू को, चूरमे का लड्डू। बेचारे को दिल्ली जाना था, सीधा साधा आदमी था राजस्थानी का, पहले के जमाने में होटल ढाबे होते नहीं थे, दिल्ली जाना था। उसकी माँ ने उसके चूरमा बनाया, उसके लिए देसी घी का चूरमा और मोटे मोटे बांध दिए लाडू। उस मोटे लाडू को पिंड कहते हैं। चार पिंड बांध दिए कि बेटा चार दिन तू दिल्ली में रुकेगा तो चार पिंड ले जा, एक एक दिन में एक एक खा लेना। अब साहब वो चूरमे के लड्डू एक थैले में बांध करके बैठा, और पहले डर, पहली बार रेलगाड़ी में बेटा डर लग रहा था कि साला कोई पिंड अपने पिंडे कोस नहीं ले जाए, पिंडे छीन नहीं ले जाए। सामने बैठे थे भाई साहब एक पंजाबी बाबूजी, सरदार जी, जो कौन सी भाषा बोलते थे? पंजाबी। और अपन राजस्थान के, भारत के किसी भी गांव के लोगों में वो चुपचाप नहीं रह सकता। पास में कोई भी अनजान आदमी मिल जाता तो पूछ लेते, भाई जी खटिया का रहवाड़ा हो, कौन सा गांव है थारो, पूछ लेते ने। अब साहब उसके पास थे लड्डू, इस पंजाबी ने पूछ लिया, बोले केड़ा पिंड, और वो देखा रहे यार इसको पता चल गया कि इसके पास तो पिंडे है, मतलब चूरमे का लड्डू, तो वो उस थैले को और छुपाए। फिर बोले ओ प्राजी तेरा केड़ा पिंड, फिर उसको छुपा ले। फिर बोले प्राजी तेरा केड़ा पिंड, राजस्थानी का चार चार चार, पर बेटा तेरे को फूतरा ही नहीं दू। हो जाता है, देखिएगा, छोड़ते हैं इस बात को। पिंड कहते हैं गांव को, पिंडी कहते हैं ढाणी को, पिंडी कहते हैं ढाणी को। बप्पा रावल ने अपनी एक चौकी बनाई थी, चौकी बनाई थी, चौकी बनाई थी, जिस चौकी को आज भी किस नाम से जाना जाता है? रावल पिंडी के नाम से। कौन सी जगह है? रावल पिंडी। और रावल पिंडी कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। और यानी कि कह सकते हैं इस रावल पिंडी को बप्पा रावल ने बसाया। किसने बसाया? दो मिनट और लूंगा जी सर, आप थोड़ी सी थ्यावस ले लियो।
तो ध्यान देना, रावलपिंडी को बसाया। बताइए रावलपिंडी को बसाया, रावलपिंडी की स्थापना किसने की? बप्पा रावल ने। रावलपिंडी क्या थी? इसकी एक सैनिक चौकी थी। बप्पा रावल की एक सैनिक चौकी थी। बोलिए बप्पा रावल महाराज की जय। बार बार टेक्निकल टीम का